हेलो दोस्तों, तो मैं हरीश सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम में। तो इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखते हैं क्या है ये चीज़ें। बात ये है कि ये हम पढ़ते हैं, हमने पढ़े हैं बचपन से लेकर आज तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, हम प्रोनाउन पढ़ लेते हैं, एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, लेकिन ये दो ऐसी चीज़ें हैं। क्यों भाई, प्रोनाउन है वे भी 8 प्रकार की होती हैं, एडजेक्टिव है वे भी 8 प्रकार की होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वे भी 8 प्रकार की होती हैं। तो होता यह है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, डेमोन्स्ट्रेटिव के मीन्स होता है संकेत देने वाला या प्रदर्शित करने वाला, किसी नाउन की तरफ इशारा करने वाला। ठीक है, पहले देखेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ या पॉइंट आउट डेमोन्स्ट्रेट करता हो या इशारा करता हो क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये होते हैं हमारे दिस, दैट, दोज, दीज। दिस मीन्स होता है यह है, ये क्या होता है, एक वचन यानी कि सिंगुलर। ये वस्तु का पास होना दिखाती है, जो वस्तु हमारे सामने होती है। दैट मीन्स वह या वो, ये भी सिंगुलर होते हैं। ये वस्तु का दूर होना दिखाते हैं कि वो या वह। दोज, दोज मीन्स वे या वो, ये क्या होता है, प्लूरल कैटेगरी में वस्तु का दूर होना दिखाता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यूज होता है, बहुवचन, दो या दो से ज्यादा के लिए। दीज, दीज मीन्स ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है और पास वाली वस्तुओं को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। खास बात यह है, इनके तुरंत बाद वर्ब आता है, इनके तुरंत बाद वर्ब आता है, कोई नाउन नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज माई होम, यहाँ पर दिस अकेला आया हुआ है और दिस के जस्ट बाद वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल लेंगे हम इसको, क्या बोल लेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझे, दैट इज योर स्कूल, वो तुम्हारा स्कूल है या वह तुम्हारा स्कूल है। तो यहां पर जो दैट है वो क्या काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको हिंदी बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। ये भी संकेत देता है, लेकिन काम क्या कर रहा है यहाँ पे, विशेषण का। काय का काम कर रहा है, विशेषण का। जब विशेषण का काम कर रहा तो किसी नाउन के साथ आएगा। तो देखते हैं, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद आए नाउन की ओर इशारा या पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट करता हो उसको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये होते कौन से हैं, दिस, दोज, दीज, दैट। लेकिन यहाँ पे ये खाली थे, यहाँ पे इनके बाद क्या आ रहा है, एन। एन बोले तो नाउन, क्या आ रहा है, एन। एन बोले तो नाउन, बोलो हाँ। इनकी हिंदी हो जाती है यह या इस प्लस में नाउन, वे या उन प्लस में नाउन, ये या इन प्लस में नाउन, वह या उस प्लस में नाउन। अच्छा, उसका दैट ना होता, अरे कैसी बात कर रहे, अभी बताऊंगा रुको। तो सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर, इनके साथ हमेशा नाउन आता है। क्या आता है जी, इनके साथ हमेशा नाउन आता है। ये नाउन के साथ चलते हैं, अकेले नहीं चलते, बड़े वीआईपी लोग हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, दिस पेन इज ग्रीन। अब यहाँ पे जो दिस आया हुआ है, ये मैं पूछने लगू इस सेंटेंस में इसको क्या कहोगे, तो क्या कहना है, इसके साथ नाउन आ रहा है, यो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलना है इसको, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कभी कोई इसे भी प्रोनाउन सोच रहा हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि साथ में क्या आ रहा है, नाउन। वर्ब देख लो कहाँ है, इज ग्रीन। नेक्स्ट, डोंट स्टेयर दोज बॉयज, उन लड़कों को मत घूरो, उन लड़कों को मत घूरो। लो भाई लो, ये प्लूरल, लड़के बहुत सारे, दोज आ गया, इसके साथ प्लूरल आया है, प्लूरल नाउन आई है, क्योंकि दोज क्या है, दोज खुद प्लूरल है। ठीक है, यहां पे ये सिंगुलर था तो इसके साथ सिंगुलर नाउन आई थी, दोज प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल नाउन आई है, दोज बॉयज। और अर्थ जो आ रहा है, उन 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 से रिलेटेड आ रहा है, डोंट स्टेयर दोज बॉय, उन लड़कों को मत घूरो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज काउज आर वाइट, ये गायें सफेद हैं, ये गायें सफेद हैं।
तो यहाँ पे दीज प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आ रहा, प्लूरल नाउन आ रहा है। नेक्स्ट, दैट बॉय हैज कॉस्टली कार, उस लड़के के पास महंगी कार है, उस लड़के के पास महंगी कार है। देखो आगे नहीं सेस, उस लड़के के पास महंगी कार है। तो ये थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।